सर। हेलो, गुड हेलो इवनिंग। ऑडियो वीडियो ठीक है? चलो, ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक सर। ठीक चल रही है? ठीक जी सर। नहीं चलेगी तो फिर ठीक नहीं होगा। हाँ सर। अगर ठीक नहीं चलेगी तो ठीक नहीं होगा। अभी तक तो ठीक ही चल रही है सर। बस स्पेस को बनाए रखिए, चीजों को रिटेन करिए। 15 दिन का आपका पीरियड है, आपको 15 डेज मेमोरी बहुत शार्प रखनी है, क्योंकि JIB में मेमोरी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने पढ़ रखी है कोई चीजें तो उसका फायदा मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मार्केटिंग। जो हमारा PPB का मार्केटिंग मॉड्यूल हो रहा है, डी मॉड्यूल, उसमें आज हम पहुंच गए हैं 42 नंबर यूनिट पर, जिसका नाम है चैनल मैनेजमेंट। तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने एक टॉपिक में पढ़ा था, तो यहाँ पे थोड़ा चैनल मैनेजमेंट की बात आती है। ठीक है, और जितने लोग भी क्लास एब्सेंट कर रहे हैं तो समझ लो डेली वो 2 मार्क्स कम करते जा रहे हैं अपने। डेली 2 मार्क्स कम कर, अगर 5 दिन क्लास कम कर रहे हैं तो आपके 10 मार्क्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लास बिल्कुल मिस मत करिए। अगर आप क्लास सुन रहे हैं तो बहुत फर्क रहता है। JIB के बारे में स्पेशल बात यह है कि आप अगर सुनते हैं तो भी फर्क पड़ता है। चलिए चैनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग चैनल सिस्टम, चैनल लेवल, चैनल डायनामिक्स, एडवांटेज, 4 चीजें इसमें कवर है। तो चैनल सिस्टम की सबसे पहले बात करते हैं। चैनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज IT चैनल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैनेजमेंट, चैनल सेल्स मैनेजमेंट एंड सेल्स चैनल मैनेजमेंट। तो ये चैनल मैनेजमेंट के बहुत सारे नाम हैं इसमें, ठीक, बहुत सारे नेम हैं। किस तरह से क्या चैनल करना, IT चैनल मैनेजमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल मैनेजमेंट करना है, सेल्स चैनल का और चैनल सेल्स मैनेजमेंट करनी है। टू रीच द टारगेट मार्केट, द मार्केटर यूज अ 3 काइंड ऑफ मार्केटिंग चैनल। तो उसमें पहला क्या है, कम्युनिकेशन चैनल है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और तीसरा है सर्विस चैनल। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि 3 काइंड के मार्केटिंग चैनल की बात आई। पहला कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और तीसरा है सर्विस चैनल। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल में कैसे आप कस्टमर से बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कैसे गुड सर्विस पहुंचाते हैं, सर्विस चैनल का उसके बाद की सर्विसेज कैसे देते हैं। चैनल मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू गेन द एंड मेंटेन द कॉपरेशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन विद इन द सेल साइड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये कि कई सारे इंस्टीट्यूशन के बीच में एक तरह से कॉपरेशन बैठाने का काम भी जो यहाँ पर होता है, उसके प्रोसीजर को चैनल मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग चैनल मैनेजमेंट, मोस्ट प्रोसीजर डू नॉट सेल, मोस्ट प्रोड्यूसर डू नॉट सेल देयर गुड डायरेक्टली टू द फाइनल यूजर, बिटवीन देम स्टैंड्स एज ए सेट ऑफ मोस्ट प्रोड्यूसर्स डू नॉट सेल दे आर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द फाइनल यूजर, बिटवीन देम स्टैंड्स ए सेट ऑफ इंटरमीडियरीज परफॉर्मिंग ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पे देखो, वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करी, केवल डिलीवरी नहीं करी, बहुत सारे फंक्शंस। ठीक है, दीज इंटरमीडियरी कॉन्स्टिट्यूट ए मार्केटिंग चैनल, और इन सबको मिला दिया जाए तो उसी को हम मार्केटिंग चैनल बोलते हैं। और मार्केटिंग में हमें पता था कि केवल सेलिंग नहीं होता, रिसर्च से लेकर के कस्टमर की नीड्स वांट से लेकर के सेल, आफ्टर सेल सर्विस, फीडबैक, इम्प्रूवमेंट, तो बीच में जितने लोग हैं सब लोग मिला करके कोई चैनल का फॉर्मेशन करते हैं। सम इंटरमीडियरीज सच एज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स बाई टेक टाइटल एंड रिसेल द, तो यहाँ पर ये भी अगर दे आर कॉल्ड मर्चेंट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो प्योरली
आपके प्रोडक्ट को खरीद के प्रॉफिट के साथ बेचते हैं उनको मर्चेंट बोलते हैं, और बाकी लोग जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो ब्रोकर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर का बंदा हो सकता है, सेल्स का एजेंट हो सकता है, सर्च फॉर कस्टमर एंड मे नेगोशिएट। तो ये लोग क्या करते हैं, सेल्स वाला वो कस्टमर को, ये जो तीन लोग होते हैं, देखो इन लोगों को तो मर्चेंट बोला उसने, बाकी मिसलिनियस लोगों को बोला उसने सर्च फॉर कस्टमर एंड मे नेगोशिएट ऑन प्रोडक्ट बिहाफ ऑफ, बट डू नॉट टेक टाइटल ऑफ द गुड। तो ये मेजर डिफरेंस, इसको समझिएगा कि जो होलसेलर और रिटेलर होते हैं वो टाइटल यानी बीच में कुछ समय के लिए उसके उस गुड्स या सर्विस के मालिक होते हैं, जब तक वो कस्टमर को ट्रांसफर नहीं करते, दे आर कॉल, और इन लोगों को आमतौर पे एजेंट बोल देते हैं। स्टिल अदर्स, अभी कुछ और लोग भी हैं जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इंडिपेंडेंट वेयर हाउस है, बैंक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ये क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में असिस्ट करती हैं, क्या करती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में असिस्ट करती हैं, बट नाइदर डू नॉट टेक टाइटल नॉट डू नेगोशिएट परचेज और सेल्स, दे आर कॉल्ड फैसिलिटेटर। तो अगर मैं इन नटसेल पूछूं तो तीन लोग आए, आप लोगों से आंसर चाहूंगा, कौन लोग तीन लोग आए? ब्रोकर तो सर नहीं, नेम नहीं बताने, उनको ग्रुप में क्या बोलते हैं? सर मर्चेंट्स, एजेंट्स मर्चेंट, और फैसिलिटेटर्स, मर्चेंट, मर्चेंट, ब्रोकर्स। एजेंट और फैसिलिटेटर, ठीक है। ये क्या है, बीच में ब्रोकरेज टाइप की अच्छा कमाते हैं, फैसिलिटेटर क्या है, ट्रांसपोर्टर टाइप के, ठीक है। और जो मर्चेंट मर्चेंट होता है कौन होता है? वो क्या करता है गुड्स के, कुछ टाइम के लिए ओनर बन जाता है वो खरीद के। अच्छा टाइटल होल्डर होता है, लेकिन एजेंट और फैसिलिटेटर कभी भी उसके ओनर नहीं होता, ठीक है। ये सेल्स में पार्टिसिपेट करता है, ये सेल्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने थोड़ा सा बोला, ये इंटरमीडियरीज के बारे में बात हुई, और ये तीनों लोग क्या कहलाते हैं, इंटरमीडियरीज कहलाते हैं, ठीक। मार्केटिंग चैनल्स आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विस अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ कंज्यूमर। तो यहां बोला जो मार्केटिंग चैनल में लोग होते हैं इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग चैनल डिसीजन आर द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन फेस बाय द कंपनी, चैनल डिसीजन इन्वॉल्व रिलेटिवली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द फर्म। तो कंपनी जो चैनल डिसीजन होती है वो इन्वॉल्व इसलिए करती है, उन्हें लॉन्ग टर्म वो करना होता है, और कमिटमेंट है कंपनी की, प्राइसिंग है और एडवर्टीजमेंट डिसीजन, ठीक है। दूसरा है चैनल लेवल्स, चैनल के लेवल्स। तो चैनल के लेवल्स में यहां से क्वेश्चन शुरू हो जाता है आपका, पहला वाला कौन सा चैनल है, 0, 1, 2 और 3। तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में कैसे, जैसे कल हम बात कर रहे थे, ये आ गया देखो यहाँ पे, हम बात कर रहे थे ना एक बार कि इंटरनेट सेल क्या होती है, फ्लिपकार्ट कंपनी की वेबसाइट से खरीदना, ठीक है। और डोर टू डोर सेल भी डायरेक्ट में आती है। वन लेवल में एक इंटरमीडियरी आएगा जैसे रिटेलर आ गया, टू लेवल में होलसेलर रिटेलर, और थ्री लेवल होलसेलर हु सेल्स टू जॉबर्स और हु टर्न्स एज रिटेलर। तो तीन लोग आ गए, ये वहां पे पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और इसमें ठीक है, चलो चैनल के बारे में बेसिक हो गया। अब यहाँ पे देखिए चैनल की डायनामिक्स क्या होती है, चैनल की डायनामिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स डू नॉट स्टैंड स्टिल, न्यू होलसेलिंग एंड रिटेलिंग इंस्टीट्यूशंस इमर्ज, न्यू चैनल सिस्टम इवॉल्व, चैनल्स स्वेल वर्टिकली हॉरिजेंटली एंड थ्रू मल्टी चैनल्स। अब यहाँ पे इस बात को समझने की कोशिश करिए, न्यू होल सेलिंग एंड रिटेलिंग इंस्टीट्यूशन इमर्ज, तो डायनामिक्स की बात जहां कर रहा है वो ये कहता है कि वो उनके चैनल फिक्स नहीं होते हैं, वो नया होलसेलर नया रिटेलर बढ़ता जाता है, और नया सिस्टम
चैनल सिस्टम इवॉल्व होता है, प्रकट होता है। चैनल स्वेल्स वर्टिकली, किसी के आज एक चैनल है, किसी के दो होंगे, फिर वो मतलब स्वेल मतलब होता है फैलते जाते हैं, ठीक, स्वेलिंग होता है ना, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली, मतलब एक के ऊपर और इधर दाएं बाएं खूब सारे। और हाइब्रिड चैनल, दे यूज ऑल द चैनल अल्टरनेटिव्स फॉर मार्केटिंग देयर सर्विसेज, ठीक है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, इन कन्वेंशनल चैनल नो मेंबर्स लाइक प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। तो वर्टिकल में क्या बोला उसने कि कोई भी किसी से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। रिपीट करिए मेरी बात को। इन कन्वेंशनल चैनल नो मेंबर्स लाइक प्रोड्यूसर होलसेलर और रिटेलर्स हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। ये तो आपने पढ़ा है, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, सर वो इंडिपेंडेंट होते हैं। चलो ठीक है, नो डिपेंडेंसी बिटवीन ईच अदर, ठीक है, ठीक है। दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वेयर एज इन वर्टिकल मार्केटिंग दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो यहां पर बोला कन्वेंशनल चैनल में क्या होता है, कोई भी किसी से लिंक नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, वो लिंक होता है, इंटरकनेक्टेड है, ये इससे है, ये इससे, ठीक है। दे आर कनेक्टेड डीपली टू विद अदर टू गिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड कि कुछ भी ऐसा करते हैं कि हमारा काम अच्छा हो। इट इम्प्लाइज दैट द प्रोड्यूसर होलसेलर एंड रिटेलर आर एक्टिंग एज ए यूनिफाइड सिस्टम इन ए सर्विस सेक्टर लाइक बैंक्स। इट कैन बी कॉरपोरेट और एडमिनिस्टर VMS वेयर डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक डिपॉजिट एडवांस आर चैनल्ड थ्रू द ब्रांच ऑफिस हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कैसे टॉप मैनेजमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है, उसके नीचे ब्रांच है, तो सब लिंक होते हैं। द कस्टमर इज असिस्टेड बाई वेरियस लेवल्स टू फाइनली मार्केट द प्रोडक्ट। अब कौन सा चैनल आ गया, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। इट इज इन विच टू और मोर अनरिलेटेड कंपनीज पुट टूगेदर रिसोर्सेस और प्रोग्राम्स टू एक्सप्लॉइट एन इमर्जिंग मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी। इट इज वन विच टू और मोर अनरिलेटेड कंपनीज पुट टूगेदर रिसोर्सेस, तो जहां पे दो या दो से ज्यादा डिफरेंट कंपनी अपने रिसोर्सेस को मिक्स कर लेती हैं। जैसे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। जबकि इस वाले में बोला इसने वर्टिकल मार्केटिंग में वो लोग क्या करते हैं, वो अपना अपना प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही काम को कर रहे हैं सब, समझ में आई। इसमें दो डिफरेंट लोग हैं। इन दिस कंपनीज यूज अनदर कंपनी एस्टेब्लिशमेंट चैनल फॉर इंस्टार मैनी सुपर मार्केट चेन्स हैव अरेंजमेंट विद द लोकल बैंक्स टू ऑफर स्टोर बैंकिंग। तो वो अलग है, वो अलग है, ठीक है। ट्रेंड्स हैव ऑलरेडी सीन इन द बैंक्स वेयर द सेक हैंड विद द इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी अलग है और बैंक अपना अलग है। अब आ गया मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है, विद द प्रोलीफ्रेशन, प्रोलीफ्रेशन माने होता है बहुत बढ़ना, तेज होना, विस्तार होना ऑफ कस्टमर सेगमेंट एंड चैनल पॉसिबिलिटीज मोर कंपनीज हैव अडॉप्टेड मल्टी चैनल मार्केटिंग। इट अकर्स व्हेन ए सिंगल फर्म यूजेस टू और मोर मार्केटिंग चैनल्स टू रीच वन और मोर कस्टमर सेगमेंट। फॉर इंस्टांस अ बैंक मे ट्राई टू सेल इट्स प्रोडक्ट थ्रू इंटरनेट। अब मल्टी चैनल में इंटरनेट हो गया, मार्केटिंग ऑफिशियल्स हो गया, आउटसोर्सिंग हो गई, तो ये क्या हुआ, मतलब एक तरह हर तरह के चैनल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए क्या वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होता है? यस सर। एग्जांपल दीजिए। बैंकिंग के लिए तो मल्टी चैनल ना।
नहीं मल्टी तो था वर्टिकल सर, कन्विंस तो इसमें भी लोग करते हैं ना लोगों को। ऑन एंड एडवांसेस सर, डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ लिखा हुआ देखो, इन सर्विस सेक्टर लाइक बैंक इट कैन बी कॉर्पोरेट और एडमिनिस्टर्ड वर्चुअल मार्टिकल वेयर द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक डिपॉजिट एडवांस आर चैनल थ्रू द ब्रांच ऑफिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि आपका हेड ऑफिस, आपका रीजनल ऑफिस और ब्रांच। तो मार्केटिंग का मतलब है ये किसी भी तरह अगर असिस्ट कर रहे हैं कोई भी किसी को, तो हमारे लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? मार्केटिंग। हम बताया था ना कि मार्केटिंग में केवल सेल नहीं होती है। तो ऐसे ही मल्टी चैनल में आ गया आपका ये। एडवांटेजेस में बात करेंगे तो नॉर्मल हाइपोथेटिकल बात तो है कि भाई बहुत फायदा होता है। सर सर ऐसे अगर देखा जाए तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मल्टी चैनल तीनों में बैंकिंग, बैंकिंग में तीनों आएगा बैंकिंग प्रोडक्ट्स में। हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अगर इसका इसका कोई ऐसे एग्जांपल दे दिया जाए, एटीएम एंड लोन्स एंड डिपॉजिट, ये किसके अंडर आएगा, तो क्या इसका आंसर होगा? एटीएम, देखो एटीएम तो चैनल है, सर मुझे लोन एंड डिपॉजिट तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट, ओके सर। हॉरिजॉन्टल में तो बैंक के हमारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और नहीं वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में जैसे जो हमारी सब्सिडरीज जो कंपनी होती है जैसे इन जनरल इंश्योरेंस और ये वही चीज। हाँ वो मतलब डिफरेंट कंपनी होती है लेकिन एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती है या उनके मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी वो बढ़ती है उसे, क्रॉस चैनल क्रॉस ठीक है। चलो एडवांटेजेस में नॉर्मल बात तो हो गई, लेकिन कुछ इसमें बोलता है कि चैनल मैनेजमेंट हेल्प्स यू टू डेवलप योर पार्टनर नेटवर्क विथ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लाइक लीड शेयरिंग। अब लीड शेयरिंग में आपको एक कहानी बताता हूं मैं आपको। आपने अगर एयरटेल का सिम लिया, मान लिया आपने फोन ले लिया, आपको SMS आ जाने लग जाएंगे आइडिया के कि इनका प्लान है 966 में समथिंग जो भी कुछ है। ये जिस दिन आप लेते हैं उसी दिन आइडिया के कैसे आने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो डेवलप पार्टनर नेटवर्क और लीड शेयरिंग करते हैं उसमें। ठीक है, ये फॉर्मल तरीके से तो नहीं, इनफॉर्मल होता है। मींस कि जैसे एक ने आज आपके वहां टाटा स्काई की डिश लगा के रहा या आपको जियो का सिम दिया, वो अपने दोस्त को आपका नंबर देता है, आपका उनका दोस्त जो है आपको कॉल करता है कि आप जो है आइडिया ले लीजिए। ठीक है, चैनल ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फंड मैनेजमेंट, तो लीड को शेयर करते हैं, चैनल ट्रेनिंग को शेयर करते हैं, प्रोग्राम को, फंड मैनेजमेंट को। तो ये चैनल मैनेजमेंट से क्या होता है, ये सब चीजों के बेनिफिट है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द वेंडर टू पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट में फिर क्या, द इंटरवेंशन चैनल मैनेजमेंट नहीं इंटरवुमेन कनेक्ट्स बिजनेसेस विद देयर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल थ्रू इंफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेसेस, सेल्स एप्लीकेशन टू स्ट्रीमलाइन द सेल्स प्रोसेस एंड रियलाइज मोर प्रॉफिटेबल। तो इसमें होता क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन वहां गई, उनकी यहाँ आई, एक बात हुई। दूसरा बिजनेस प्रोसेस, आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में काम करते हैं, आप किसी की पर्टिकुलर, तो इसका बिजनेस प्रोसेस यहाँ यूज हो रहा है, इसका बिजनेस प्रोसेस यूज हो रहा है। तो इस तरह से ICM क्या करता है, इंटीग्रेट द मार्केट लीडिंग एंड कस्टम डेवलप वेब पोर्टल। तो यहाँ पर यह भी चीज है कि एक तो वो मार्केट लीडिंग को इंटीग्रेट कर देता है, दूसरा कस्टम डेवलप वेब पोर्टल, मोबाइल डिवाइसेस, ईमेल सिस्टम टू एक्सपेंड द प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ एजेंट्स, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, रिसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर वाइल रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ सपोर्ट। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हो जाती है, इंटरवुमेन चैनल मैनेजमेंट बिल्कुल मिक्स है, इसकी जरा सी यहाँ हलचल हो रही है तो उन तक पहुंच रही है दूसरे वालों तक। द सॉल्यूशन इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप स्पेशलाइज इंट्रानेट्स। अब इंट्रानेट्स का मतलब जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर डायरेक्ट सेल चैनल
एंड एक्स्ट्रा नेट्स, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, फॉर इनडायरेक्ट सेल चैनल टू फ्यूल सेल्स मोमेंटम, सेल्स मोमेंटम को बढ़ाने के लिए सब यूज करते हैं। फर्दर एंटरप्राइज एप्लीकेशन कनेक्टर्स इनेबल्स कस्टमर टू कंबाइन पावरफुल कंटेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज विद पोर्टल टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेंडर्स सच एज IBM, सी सैप वगैरह। तो ये जो चीजें होती हैं कि ये जितने भी आजकल इवन जो गूगल है कि आपने एक कंपनी में कुछ प्रोडक्ट लिया, उसको इन्फॉर्मेशन पहुंची, वो इन्फॉर्मेशन गूगल के थ्रू दूसरे को पहुंची, फिर वो क्या हुआ आपस में इंटीग्रेट हुए। मान लिया आप गाड़ी खरीद रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरी कंपनी को कनेक्ट कराया जो बैटरी सेल करती है इलेक्ट्रिक की, तो कैसे भी कनेक्ट करा रहे हो आपस में, ठीक है। दीज पोर्टल्स एम्पावर द एंटरप्राइजेस एक्सटेंडेड सेल्स टीम थ्रू सेल्फ सर्विस डिलीवरी ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट सेल्स इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग मार्केटिंग कोलेटरल एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जो ये पोर्टल होते हैं जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाती है, एम्पावर करते हैं एंटरप्राइज को कि अपनी सेल्स बढ़ा ले, ठीक है, और सर्विस डिलीवरी उसकी फास्ट हो जाती है क्योंकि जहाँ भी आप जा रहे हैं तो वहाँ उसकी फैसिलिटी मिल जा रही है। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग मटेरियल्स, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस एंड कैटलॉग डेटा सब शेयर हो रहा है। द रिजल्ट आर लोअर कॉस्ट, तो ये सब लोअर कॉस्ट में हो रहा है, ठीक है, फॉर चैनल सपोर्ट एंड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेल्स पीपल। इन शॉर्ट द एडवांटेजेस ऑफ चैनल मैनेजमेंट दो बियॉन्ड क्वांटिफिकेशन कैन बी समराइज टू आइडेंटिफाई कैन बी इजली। तो इसमें वो बोला कि कैसे समराइज किया उसने कि इसके एडवांटेज क्या है। तो पहला वाला बोलिए सब लोग क्या है पहला, इंक्रीज मार्केट कवरेज, इंक्रीज मार्केट कवरेज। चैनल कॉस्ट क्या होती है, लो हो जाती है। एक्टिवेटिंग मोबाइल बैंकिंग रादर देन करस्पोंडिंग इंडिविजुअली विद कस्टमर, मोर कस्टमाइज सेलिंग होती है। यूजिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज द म्यूचुअल एडवांटेज यूजिंग अ टेक्निकल मार्केटिंग पर्सनल टू स्किल टू सेल मोर कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब आप इसे देखिए कि SBI की वेबसाइट पर गए आप, पता लगा जैसी वेबसाइट खोली तो वहां पर उसके तीन चीजें खाने मिल गए, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और इंश्योरेंस और बैंक प्रोडक्ट। फिर आप म्यूचुअल फंड में चले गए, म्यूचुअल फंड में गए तो ये सब क्या है, इंटीग्रेटिंग हो रही, क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो जा रहा है। और एक जगह जाने से अगर उस कस्टमर का कोई प्रोडक्ट आपके पास है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें ट्रू फॉल्स के रूप में दिया हुआ है। चैनल मैनेजमेंट कंसंट्रेट्स ऑन मोर प्रोडक्टिविटी देन प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रू फॉल्स, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, चैनल मैनेजमेंट कंसंट्रेट ऑन मोर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी देन प्रॉफिट, मोर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी दोनों को ज्यादा हो गया ना, फॉल्स हो गया सर, फॉल्स प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए ना सर। दोनों ही देखता है, मतलब कहने का ये हो गया, दोनों देख रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान, प्रॉफिटेबिलिटी विद प्रोडक्टिविटी चल जाता है। फॉल्स, चैनल मैनेजमेंट इज फ्री फ्रॉम लीगल इशू, फॉल्स है, False. जब आप दूसरों से टाई अप करके काम करेंगे तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही ना, लीगल इशू हो सकते हैं, आएंगे, ठीक है। हाइब्रिड एंड मल्टी चैनल हैव ओपन्ड अप ड्यू टू चेंज इन मार्केट सिनेरियो, बिल्कुल ठीक है। आजकल जो ये सब अमेजोन वगैरह वगैरह आ गए, सब क्या है, मल्टी चैनल की तो एग्जाम्पल है, ठीक है। डिसीजन ऑफ चैनल हैव अ क्रिटिकल रोल इन डिसाइडिंग कंपनी वर्ल्ड विजन, बिल्कुल ठीक है। देखो जो कंपनी का विजन है उसे अचीव करने के लिए आपको चैनल पे डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। चैनल मैनेजमेंट पेव्स अ वे फॉर इफेक्टिव फिजिकल टाइटल पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन फ्लो ऑन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है इससे कि इसकी वजह से पेव्स माने मतलब उसको बोलते हैं झूला झूलते ना, से झूला झूलने को पेविंग बोलते, ठीक है,
वे ऑफ इफेक्टिव फिजिकल टाइटल पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रमोशन फ्लो ऑफ एनोवर. जैसे यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला ई वाला पॉइंट है, ये भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन का आ सकता है. वो ये सब करे इफेक्टिव फिजिकल टाइटल पेमेंट और फिर एक कुछ और वर्ड डाल देगा. ठीक है, तो ये है. अच्छा अभी एक चीज और. हाँ ट्रू है. ठीक है अच्छा एक चीज मैं और करता. क्या हाथ बोलती है आपके क्वेश्चन पूछने भूल गया. चलो अभी याद नहीं आएगा. तो ये छोटा सा टॉपिक था और इसीलिए थोड़ा क्लास लेट होने का भी कुछ कारण था. छोटा सा टॉपिक था लेकिन हमारे लिए टॉपिक आज क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. ठीक है क्लियर. अभी आपसे कुछ बात करनी है मैंने, अभी कोई जाएगा नहीं. YouTube बंद कर देता हूँ जरा.